सोलन में अब बिना पेट्रोल और डीजल के बसें चलेंगी। शुरुआती तौर पर इस तरह की सोलन शिमला रोड पर 4 बसें चलेंगी, जिसका आजकल प्रशिक्षण किया जा रहा है। ये बसें बेहद आधुनिक हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी और इसमें सुरक्षा की दृष्टि से 3 CCTV कैमरे भी लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें बैठे सभी यात्रियों को जहां एक ओर नजर रखी जाएगी, वहीं आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। इससे किसी भी तरह का प्रदूषण भी नहीं होगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए आरएम देवासिंह नेगी ने बताया कि हिमाचल भारत में एक ऐसा पहला प्रदेश है जहां इलेक्ट्रिक बसों को सफल रूप से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल बसें चलने से जहां धुएं से निजात मिलेगी, वहीं प्रदूषण से भी निजात मिलेगी और इन बसों से ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि शिमला से सोलन आते समय बस के चलने से बसें खुद रिचार्ज भी हो रही हैं। यही वजह है कि इलेक्ट्रिकल बसें अन्य बसों की तुलना में प्रति किलोमीटर बेहद सस्ती होंगी, जिससे सरकार को बेहद फायदा पहुंचेगा। ये जो आपके सामने ये इलेक्ट्रिक बस खड़ी है, इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 18 तारीख को शिमला विधानसभा से किया था, फ्लैग ऑफ किया था। उसके बाद ये जो शेड्यूल्ड है, जो 50 गाड़ियाँ जो आनी है शिमला के लिए, उनका जो निर्धारित रूट है उन पर ट्रायल हो रहा है। उसमें से एक रूट शिमला सोलन शिमला है, जिस पे 4 गाड़ियां प्रस्तावित है, लेकिन ये जो गाड़ी अभी एक गाड़ी आई है जो ट्रायल की, इस पर हमने कल ट्रायल किया था और हमारा कल का ट्रायल बिल्कुल कामयाब ट्रायल रहा। और शिमला सोलन के रूट में एक्चुअली इसमें एक जब उतराई में आते हैं उसमें जो बैटरी जो है रिगेन करती है, वो जो है हाईएस्ट रिगेन हुआ है। सबसे पहले मैं सोलन वासियों को और यहाँ के जो इस बस का जिसे बेनिफिट होगा उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हिमाचल एक छोटा सा राज्य और पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में सबसे पहला राज्य है जिसने इलेक्ट्रिक बसेस को कामयाबी से चलाया है। जहाँ तक पोल्यूशन का सवाल है, डेफिनेटली पोल्यूशन तो ये ज़ीरो पोल्यूशन व्हीकल है। अगर आप इसमें राइड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो गाड़ी चल रही है या बंद है, इसका कोई पता नहीं लगता। ये बिल्कुल नॉइज फ्री है, मींस नॉइज पोल्यूशन भी ज़ीरो है। और साथों साथ जहाँ तक इसकी डीजल की बचत का सवाल है, ये इसका खर्चा लगभग जो खर्चा अभी जो हमारा अनुमान है लगभग 20 रुपये प्रति किलोमीटर जो खर्चा जो है, बाकी गाड़ियों से कम खर्चा आएगा।